गोश्त बना लेते हैं मटन का, काली मिर्च में भुना हुआ, वो भी तो आया है। आया है अब्बा जी, एक चीज पूरी नहीं आनी, साथ कुछ और भी बनाना पड़ेगा। और लाले की दुकान पे करेले आए हुए हैं, ताजे चमकते, धूप में दूर से लग रहा था पित्तल के करेले। खान साहब, एक करेले भी तो जन्नत का ही फल है ना। आप लोग जिसके लिए बना रहे हो एक बार उससे पूछ तो लो। करेले खा लेती हो? हमारी तो कौमी डिश है ना, बड़े लजीज बनते हैं, खा लोगी या तुम्हारे लिए कुछ और बनाए? दुआ करो पुत्र बच्ची के मुंह से करेले ही निकले। आमीन। देसी कुकर की कढ़ाई, वो भी देसी घ्यो में, रायता जीरे वाला, और सलाद में पतले कटे हुए प्याज और मोटा कटा हुआ खीरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब्बा जी भूख लग गई अभी से। आप देसी कुकर खा लेती हो? अल्लाह करे खाती हो। खाती होगी पुत्र, हमारी तो दुआ ही है ना उसके लिए। वो ना देसी घी में देसी कुकर की कढ़ाई बनाने लगे थे तो मैंने सोचा पूछ लूं, आजकल के बच्चों को ना फार्मी ब्रॉयलर खाने की आदत जो पड़ी होती है ना, लेकिन देसी तो फिर देसी होता है, खा लोगे? नहीं। है? पसंद नहीं, बहुत पसंद है। खान साहब, 3 किलो मटन मैं कल्ला कैसे लाऊंगा? तो साथ ट्रैक्टर ट्राली भेज दो तुम्हारे। नहीं नहीं खान साहब, इतना सारा गोश्त मुझ कल्ले को किसने देना है, कोई बड़ा भी साथ चले ना। अब्बा जी सही कह रहे हैं, इतने पैसों के साथ रास्ते में गवाही ना हो जाए, आप जाए इसके साथ। ए, कितने किलो? 3 किलो पुत्र, और बोटी जरा छोटी रख दे। ओ खान साहब, घर का सौदा तो नहीं कर लिया? तुझसे ही आशी है। नहीं बेटा, प्रॉपर्टी तकसीम की है। एक छोटी दुकान है, छोटी सोच, इनसे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया जाना, किसी ना बड़ी दुकान पे चलते। मैं तो कहता हूँ कोई साइज का अपना बकरा ही कर लेते। लो मेरा पुत्र। हाँ साहब, इतने पुराने लोग तो बेटा, इसमें कायदे आजम की बचपन की फोटो है। खैरियत है खान साहब, इतनी सब्जी? अब उधर यूक्रेन और रूस की जंग लगी हुई है ना इसलिए। और खान साहब, ये गरीब पाइया पाइया सब्जी बेचने वाला एक साथ इतनी सब्जी बेच के ना परेशान हो गया है। मटन कढ़ाई, तवा कीमा, तली हुई मछली, टकाटक, बोंग पाए, निहारी, इधर साथ वाले चौक से मिलते हैं सारी चीजें। वाह 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 वाह, ये पकड़ 200, और वो जो मछली वाला है ना उससे 100 रुपए के पकौड़े और 3 नान ले आओ। जाओ गल सुन, वो जो तवा कीमे वाला है ना, हाँ जी, उसे मेरा सलाम कह रहा। वालेकुम सलाम। गूगल के मुताबिक हमें मुअज्जम होने की जरूरत है, पर हमें करना क्या है वो बताएं। जब भी एक दूसरे के कमरे में जाएंगे तो दरवाजा खटखटा के जाएंगे। अगर कमरे का दरवाजा पहले से खुला हो तो खांसी करके चले जाएंगे ना। मतलब खान साहब, जब आप मुझे आवाज दें तो पहले मैं बाहर खड़ा होके खांसू फिर अंदर आऊं? नहीं नहीं, तू अंदर जाके खांस फिर तू बाहर आ। आगे बताएं और क्या क्या करना है। आपस में एक दूसरे से फासला रखना है। मौला खैर करे, फिर से कोरोना आ गया खान साहब। अच्छा जी, चाय पीते हुए किसी ने सोड़ सोड़ नहीं करनी, और खाना खाते हुए भी पचाक पचाक की आवाज नहीं आनी चाहिए। बाजी ये प्राइवेसी मना रहे हैं, कुछ शौक बना रहे हैं। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।